खेलों के महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और पूरे देश की नजर खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी कि देश के खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करते हैं। हमारे साथ रवि दाहिया साहब हैं और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कुश्ती की दुनिया के बेताज बादशाह इनको इस समय माना जाता है। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद है आपको कि आपने भारत का नाम रोशन किया। जब आप पूरी तरह से टोक्यो पहुंचे थे, जहन में क्या था? पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे एक ही टारगेट के साथ गए थे हम टोक्यो ओलंपिक गेम्स में कि हम देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जरूर जीत के आएंगे। तो आप सिल्वर जीते हैं, कुछ मलाल है या आगे और कड़ी मेहनत करना है? देखो जी, बिल्कुल सिल्वर जीते हैं तो बस यही है कि देश के लिए हम अगली बार गोल्ड जीते हैं। तो क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, किस तरह का आपका रूटीन रहा, किस तरह से आपके परिवार वालों का साथ रहा, कैसा सफर रहा आपका? देखो जी, बिल्कुल वो ना एक खिलाड़ी के पीछे सबका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। उसमें कोचेज होते हैं, वे भी होते हैं, भाई होते हैं और फैमिली होती है, उसके बाद मोटिवेटर होते हैं, सबका बहुत ज़्यादा हाथ होता है और सबको मिला के एक अच्छा खिलाड़ी बनता है। जब देश में जश्न माहौल था, खुशी का माहौल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपसे बातचीत कर रहे थे, क्या कहा था उन्होंने, प्रेरणा के कुछ शब्द कहे थे कि आगे कैसे चलना है जिंदगी? उन्होंने बस यही बोला था कि देखो आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपने इस देश के लिए सिल्वर जीता है, हमारे लिए ये कम नहीं है, पर आगे आपको देश के लिए गोल्ड जीतना है। विक्रांत जी हमारे साथ हैं और बहुत सा अगर मैं कहूँ उपलब्धियाँ इनके नाम है और जम्मू में कहीं ना कहीं लोग इनको मानते हैं कि अगर जिंदगी को राह पर लेकर जाना है सफलता के और वो एक खिलाड़ी है तो विक्रांत जी से मिलना बहुत जरूरी है। तमाम सर्टिफिकेट्स इनके द्वारा हासिल किए गए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। विक्रांत जी, जब पता चलता है कि देश के एक बेटे ने ऐसा नाम रोशन किया कि पूरे विश्व पटल पर अब एक ही नाम है, रवि दाहिया, तो कैसा लगता है? जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा मिलती है इस चीज़ से, क्योंकि मैं रवि को तब से जानता हूँ जब उनकी कोई खास उपलब्धि ज़ीरो थी, जब वो एक अंडरडॉग थे। 2.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ और वो 2.5 साल पहले के रवि दहिया को आज उस मंच पर आते हुए देख के, उस पूरी एवोल्यूशन के थ्रू जाते हुए देख के, मुझे एक बहुत वैलिडेशन भी होती है, बहुत प्रेरणा मिलती है कि अगर रवि कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। कि मैं चूँकि बोल रहा हूँ कि उनके अंदर एक चीज़ है, उन्होंने अपने गोल को अपनी ज़िंदगी का स्तंभ बना लिया, कॉन्सेंट्रेट कर लिया, फोकस कर लिया। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़े गोल्स बनाएंगे तो आप भी देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए बड़ी से बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं। जम्मू में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक मलाल के साथ जी रहे हैं कि उस तरह की व्यवस्था नहीं चलाई जा रही है, उस तरह की हमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं, तो कोताही कहाँ है? क्योंकि कला तो यहाँ पर भी है, हुनर तो यहाँ पर भी है। जी कोताही हमारी सोच में, कोताही पहले ये सोच लेना कि यहाँ पर क्या मेरे पास फैसिलिटीज़ कम है तो मैं ये कर ही नहीं सकता। मैं ये वर्ड कम से कम यूज़ करता हूँ बट अभी कर रहा हूँ, कि वो जो वर्ड नहीं है वो पहले ही हम में आ जाता है कि यार ये नहीं है तो मैं ये कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। तो मैंने भी ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए यहाँ पे जम्मू में, मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे, क्योंकि सबको लगता था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, इसका क्या होगा, इस पैसे मिलेंगे इससे? तो मैंने जब कहा कि ये सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद, तो 99% लोगों ने तो वहीं पे ही मेरा साथ छोड़ दिया। अगर इसमें मॉनेटरी बेनिफिट ज़ीरो है तो करने का क्या फ़ायदा? मैं जम्मू को, हम सब को एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, हम सिर्फ पॉलिटिक्स और पैसे को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि एक छोटा सा देश, सैन मरीनो देश, जिसकी आबादी 33,000 है, 5 खिलाड़ी भेजता है और 3 ओलंपिक मेडल ले आता है, तो हम लोगों की आबादी जम्मू में 15 लाख है एटलीस्ट, तो हम कभी एक ओलंपियन भी ज़ीरो भेज पाए? तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी सोच में अभी तक वो ज़ीरो आया है। जिस दिन हमारे बच्चे और उनके पेरेंट्स ये सोचना शुरू कर देंगे कि हम भी कर सकते हैं, हमें अपने बच्चे को वैसा तैयार करना है, बाकी चीज़ें अपने आप होंगी स्वाभाविक। कह रहे हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ल्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो पूरी तरह से आप ये सोच लीजिए कि आप कर सकते हैं और अगर रवि दाहिया कर सकते हैं, 2.5 साल पहले इनके संपर्क में आते हैं और ये तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स विक्रांत जी ने हासिल किए हैं और कड़ी मेहनत जो है विक्रांत जी ने यहाँ पर की है ताकि विश्व पटल पर जम्मू का नाम रोशन कर सके, भारत का नाम रोशन कर सके। और बहुत खुशी होती है जब भारत का बेटा इस तरह से उपलब्धि हासिल करता है कि पूरे विश्व उसी का डंका बजता है। आप हमें बने देखते रहेंगे।